तो दोस्तों ये है ब्रदर 2520D, इसका रिप्लेस टोन आ रहा है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ और आप देख सकते हैं कि क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, सिंपल है इसका सेटिंग है जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। तो मैंने ये डोर खोल लिया सामने का, उसको ओपन रखना है और उसके बाद में आपको क्लियर होल्ड करके रखना है कि 10 सेकेंड। उसके बाद में आपको ओके की होल्ड करना है और जैसे रिप्लेस टोनर आता है तो आपको स्टार्ट बटन दबाना है। उसके बाद में प्लस की दबाना है आपको, जो 1 दिखा रहा है उसको आपको 0 करना है। हाँ तो दोस्तों ये देखिए, इसको 1 को 0 कर देना है और इसको ओके बटन दबा देना है, तो एक्सेप्टिंग आएगा। उसके बाद में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। उसके बाद में डोर लगा के देखिए, प्रिंटर अभी चालू हो रहा है। और ये आ गया आपके सामने कॉपीज, तो रिप्लेस टोनर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। दोस्तों इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब और बटन ज़रूर दबा दें, ताकि दोस्तों जो भी मैं नया अपडेट नया वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।